तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि 7500 रुपये के एक ऋण के 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5% हो तो प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त क्या होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको कह रहा है कि प्रत्येक क्या होगा, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त, प्रत्येक वार्षिक किस्त, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वार्षिक किस्त पहले तो 7500 रुपया कर देते हैं, ठीक है, गुने 100, ये देखिए यहाँ पर 4 वर्ष दे रहा है, ठीक है, तो क्या करा, 100 गुने 4 वर्ष प्लस, ठीक है, यदि साधारण ब्याज 5% की दर है तो 5 गुने 4, ठीक है, गुने 3/2, ठीक है दोस्तों, तो 7500 गुने, ठीक है, ये 400 प्लस 520, अब 20 या 60, ठीक है, आप इसको अगर 60 है/2, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाता हूँ दोस्तों, ये आपको 75,000 साल 5,000 400, अगर आप यहाँ काटते हैं तो 30 होगा प्लस 30, ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 75, ठीक है, यहाँ पर 430, ठीक है दोस्तों, अब गुने 100, ठीक है, यहाँ पे 100 तो करना ही ना पड़ेगा दोस्तों, अब आप इनको इससे, ये इससे काटिएगा, ये कटेगा दोस्तों, 75 है तब वो कट जाएगा 74 बार में, ठीक है, 4.18, ये आपका रुपीज में आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही उम्दा सवाल था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो हमारा फिर से न्यू क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ज्ञात करो तो, ठीक है दोस्तों, पहले साधारण ब्याज ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, अब लिखिए 471, ठीक है, गुने 7 गुने 2, ठीक है, बाई 100, ठीक है, क्या है पैसा, ठीक है दोस्तों, अब आप इसे कट करने का देखिए कोशिश करिए, तो ये काटेगा 2 बार में 50, ठीक है, फिर ये अगर आप 50 को भागा करके देखते हैं 4, 7, 1 से, तो ये आपको तो कटने का सवाल ही नहीं होता है दोस्तों, तो पहले आप इन सभी को गुना कर दीजिए, मान के चलिए 7 है, तो आपको पूरा, अगर हम, अगर छोड़िए इसको हम ऐसे डाइड करते हैं, 4, 7, 1 गुने 7 गुने 2 बाई 100, ठीक है, अब सभी को गुना करते हैं तो आपको आ जाएगा 6594, ठीक है दोस्तों, आप इसको 6594 आ जाएगा, अगर देखिए 7 दूनी 14, 4 7 1 14 करिएगा दोस्तों, ये 4, 8 और ये 16 2 18, ठीक है दोस्तों, फिर ये 1, ये 7 और ये 4, ठीक है, अब सभी को जोड़िए, देखिए 9, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है, तो आप यहाँ पर इतना आ गया, अब इसको 2100 करेंगे तो कितना है 2 0, यहाँ पर सीधा 0 आ जाएगा, यानी 65.94 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं सवाल को मैंने बनाया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा न्यू क्वेश्चन है फिर से, भाई शुरू करते हैं। कहता है 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज है कितना, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो
5% में है। तो पहले आपको क्या लिखना है, ब्याज। ठीक है दोस्तों, बाय मूलधन, साधारण ब्याज निकालना है तो समय बाय दर, ठीक है, बाय 100। ठीक है, और अगर ऐसे निकालना पी, अगर ऐसे तो पी टू टाइम इंटू रेट बाय 100। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, निकालना है तो ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको क्या करना है कि देखिए सेम क्वेश्चन है, तो आपको पहले लिखना है 2800, सारा क्वेश्चन तो दिया हुआ है, गुने 5% टाइम कितना है, तो 5% रेट 6/100। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर करिए, अगर हम करते हैं 28 गुने, और यह 30 है, तो 28 दूनी 56, ठीक है दोस्तों, और 28 दिया 84, ठीक है, तो 840 रुपीस आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपको 840 हो। देखिए 2800 × 5 × 4, तो 28 × यहाँ पर 30 करेंगे, यानी दोनों को इंटू करेंगे, 30/100 है, तो अगर आप यहाँ पर 100 हमने कट कर दिया, तो 28 × 30, अगर 28 दिया करते हैं तो 84, और ये 0 उसके पीछे का, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, धन्यवाद।